अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था, एमर्स टोटो में काफ़ी सारे लोगों को लॉगिन क्रिएशन में प्रॉब्लम आ रहा था और वो मैंने बहुत कोशिश किया कि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूं, और जिन लोगों को वो मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा, मैं फ्रेंड्स आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग उसके ऊपर फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें मेरे कमेंट्स में, ताकि मुझे उससे जो है मैं और सीख सकूं आप लोगों से भी और आप मुझसे सीख सकें। तो उससे ये होगा कि मुझे जो है, अगर कोई मेरी वीडियो में किसी जगह पे मैं आपको नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर सका, तो मैं फर्दर आपको अच्छे से मज़ीद कोशिश करूंगा कि अच्छे से आपको दूसरी वीडियो में उस टॉपिक को मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। जो लोग मेरे इस चैनल पे अभी न्यू हैं, उन सब से आप प्लीज़ मेरी फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन हैं कि क्या हम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली अपने जो है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग इंडिया में हैं, बहुत सारे लोग यूके में हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, और काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन हैं कि क्या हम अपने वहाँ के नंबर से, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया, सो इंडिया के नंबर से हम लोग एमरस लोटो में रजिस्टर हो सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल दोस्तों, आप जिस कंट्री में भी हैं, आप लोग वहाँ से अपने वहाँ के लोकल नंबर से रजिस्टर हो सकते हैं। और जब आप, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब भी आपने अपना नंबर एंटर करना है, तो उसके अंदर आपने अपना वहाँ का कंट्री कोड जो है प्रॉपरली ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि उस कंट्री कोड जब आप एग्जैक्ट डालेंगे तो आपको जो है OTP रिसीव करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब आप किसी भी कंट्री में हो, आप अपना नंबर यूज़ कर सकते हो, शुड बी रजिस्टर्ड। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि वो आपके नाम पे रजिस्टर होना चाहिए, आपका किसी मतलब किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से पेंडिंग नहीं होना चाहिए उसका स्टेटस उस नेटवर्क में। सो अगर वो आपका नंबर जो है, आप अपने प्रॉपर कंट्री कोड के साथ उस नंबर को ऐड करेंगे, सो यस, आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं, और उसी नंबर के ऊपर आपको आपका OTP रिसीव होगा, और आप उसको OTP नंबर ऐड करके, वेरीफाई करके उसको आप जो है फर्दर अपना जो प्रोसीजर है उसको प्रोसीड कर सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास डेबिट कार्ड नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो उनका क्वेश्चन ये है कि वो जो है कार्ड कहाँ से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे आउटलेट हैं श्वेतराम सुपरमार्केट, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे दुबई में, अबू धाबी में, डिफरेंट UAE में जो है स्टोर्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी स्टोर पे विज़िट करिए और वहाँ पर आपको जो है आपका ये कार्ड मिल जाएगा, और 35 दरम सेम कॉस्ट। और अगर इन केस अगर आपको स्टोर फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप एमरस लोटो पे आप एमरस लोटो की वेबसाइट को विज़िट करिए, वहाँ पे उसकी सारी लोकेशंस जहाँ जहाँ पे श्वेतराम स्टोर्स अवेलेबल हैं दुबई और डिफरेंट एरियाज़ में, वो उन सारी चीज़ों का उन्होंने एक्सप्लेन उसमें लोकेशन मैप दिया हुआ है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपनी इस वीडियो में उन सारी सुपर स्टोर्स का जो है लोकेशन मैप्स आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा आप उसको फाइंड करना। और दूसरा एक ईजी वे है दोस्तों, अगर आपके पास खुद से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आपके फैमिली मेंबर्स में अगर किसी के पास भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, तो आप उससे भी जो है बाइंग कर सकते हैं। वो इजी प्रोसेस है, इधर आप स्टोर पे जाओ, विजिट करो, फिर उस कार्ड को आप लाके उसको स्क्रैच करो, इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। सो बेटर वे कि अगर आपके आपके फैमिली मेंबर्स के किसी के पास अगर वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, तो आप उसके थ्रू ऑनलाइन बाय कर लें, इट्स अ इजी प्रोसेस। आप इमीडिएटली आप उसको प्ले कर सकते हैं, और जैसे ही आपकी बाइंग कंप्लीशन होती है, तो आप इमीडिएटली आप जो है अपना जो है एमरस लोटो की में ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरी जगह पर रह रहे हैं और किसी कंट्री में रह रहे हैं, तो आपके फ्रेंड्स आपके रूम में होंगे। ऑफकोर्स आप अगर फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे जो लोग आउट ऑफ कंट्रीज़ में हैं, वो आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों के पास
डेबिट कार्ड नहीं है, लेकिन आपके कोई रूममेट के पास अगर है तो आप उसको वो पे करके आप उसके कार्ड के थ्रू आप बाय कर सकते हैं, इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। अदरवाइज श्वेतराम स्टोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन जितने भी स्टोर्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आज डाल दूंगा, आप किसी भी स्टोर पर विजिट करके आप वो कार्ड बाय कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि कुछ कंट्रीज़ को एमरस लोटो ने अलाउ नहीं किया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उस कंट्रीज़ के नाम मैं ऐड कर देता हूँ। कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं जहाँ के उस कंट्रीज़ के को वो हमारे एमरस लोटो जो है वो अलाउ नहीं करते कि वो इसमें जो है शामिल हों, उन कंट्रीज़ के नाम भी मैं आप इस वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ इसमें अलाउ नहीं हैं कि वो इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकें इस ड्रॉ के अंदर। और बहुत सारे लोग मैं जब देखता हूं दोस्तों के जब लाइव ड्रॉ चल रहा होता है, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है, तो बिसाइड्स जो है कमेंट्स आ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बता रहे होते हैं कि यस मेरे इतने नंबर लगे। बिलीव मी इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। एंड कुछ हमारे फ्रेंड्स उसमें ये भी लिख रहे होते हैं दिस इज़ फेक, बट रियली दिस इज़ नॉट फेक। आई एम ऑल्सो, अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो दैट मीन्स आई एम ऑल्सो, मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ और बहुत ट्रांसपेरेंट है। जब जो नंबर आप चूज़ करते हो आप अपने क्लेम सेक्टर में जाके देख सकते हो, वहाँ पर जब जो ईमेल आता है आपका, तो जैसे ही ड्रॉ फिनिश होता है आपको लकी ड्रॉ भी देखने की ज़रूरत नहीं, आपके वो नंबर हाईलाइट हो जाएंगे, जो नंबर आपके विनिंग में आएंगे। फॉर एग्जांपल आपने 6 नंबर चूज़ किए, अगर उसमें से 2 नंबर या 1 नंबर आपका उस ड्रॉ की सीरीज में आता है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें हाईलाइटेड हो जाएगा सिस्टम जनरेटेडली। तो इट्स अ वेरी गुड कि मतलब जो आपका नंबर इसमें आ रहा है और उसमें फॉर एग्जाम्पल आपका आप अनलकीली आपके 2 नंबर मैच किए या अनलकीली 1 नंबर मैच किया, तो जितने भी नंबर आपके मैच करेंगे वो उसमें हाईलाइट हो जाएंगे। वो आपके जो आपको ईमेल रिसीव हुआ होगा जब आपने अपना ड्रॉ में पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको एक ईमेल रिसीव होता है, उस ईमेल में आप वो देख सकते हो कि आपने कौन कौन सा नंबर चूज़ किया है। तो आप जब एमरस लोटो पे दोबारा जाते हो वहाँ जाके आप अपने ड्रॉ सेक्शन में जाके आप अपना क्लेम सेक्टर जब ओपन करते हो जहाँ पे आपने सबमिट किया होता है अपना ड्रॉ को, तो वो जब चेक करते हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हाईलाइटेड योर नंबर विल बी हाईलाइटेड, मतलब जो नंबर आपके उस ड्रॉ में आए हैं वो सामने उसके हाईलाइटेड हो जाते हैं। तो इट्स वेरी गुड। तो इस ड्रॉ में आई एम ऑल्सो अनलकी, मेरे 2 नंबर मैच किए। और आप लोग भी अपने फीडबैक शेयर कीजिए जिन जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था कि आप लोगों के कितने नंबर मैच किए, आर यू विनिंग और नॉट, और यू विल बी ट्राई अगेन। सो ऑफकोर्स दोस्तों मैं तो इसको ट्राई करता रहूँगा जब तक मैं इसको विन नहीं करता। लास्ट ड्रॉ में मैंने जो है मेरे 2 नंबर मैच किए और अनलकीली, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह एवरीवन इज़ हेल्पफुल वेन एवर यू डोंट नो, मे बी टू नेक्स्ट ड्रॉ, मे बी नेक्स्ट 2 ड्रॉज, यू डोंट नो गाइस कि कब आप इसमें लकी विनर बन सकते हैं। तो देखते रहिए मेरी मज़ीद वीडियोस को, मुझे अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर कीजिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिए अगर जिन लोगों को हेल्पफुल हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।